मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग 8G एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। 8G के साइड मैंने ये फार्मूले लिखा दिए हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो आप इस बुक में देख लेना, नहीं तो कल कंफर्म करके हम आपको कर देंगे, लेकिन आज एक्सरसाइज शुरू कर दे रहे हैं। अब दूसरी बात है कि हमने 8EFG F एक्सरसाइज नहीं कराई, ये आप सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं करना तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सभी प्रॉब्लम्स है और सिंपल है, कठिन नहीं है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको रिक्वायरमेंट डाल दे, हम उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप पढ़ाई को आगे रखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। क्या हमने देखा कि पहले क्वेश्चन में सीपी और एसपी देखा है, सीपी रुपीज 500 है, किसी चीज की कीमत 500 रुपए में खरीदा गया और 650 रुपए में बेचा गया है, तो क्या दिख रहा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी तो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, एसपी जब सीपी से बड़ा होता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, हमने माइनस कर दिया 150 आ गया। केवल पहले क्वेश्चन में आपको यह पूछा गया था कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, जब तक हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, अब हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा दीजिए इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल प्रॉफिट 150 आउट ऑफ 500 में से काट दिया जीरो, 5 से काट दिया, 5 3 0, तो मींस 30% हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गए। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन बी पर चलते थे, तो बी पर भी बिल्कुल सेम है। सी वाले को देखते हैं हम, सी में एक नया चीज है ओवरहेड। ओवरहेड है क्या चीज, ओवरहेड एक्सपेंस को कहा जाता है जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, सामान खरीद लिया हमने, फिर हमारा रिक्शा भाड़ा करके हमारे घर तक आया, तो वो पैसा कौन देगा, वो दुकानदार नहीं देगा, वो आपको अपनी जेब से ही देने पड़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया, अतिरिक्त खर्च, इसको ओवरहेड बोला जाता है, अतिरिक्त खर्च। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, आगरा गए, आगरा सामान लाए, तो आगे तक का टिकट लगेगा बस का, वो किराया कौन देगा, तो मतलब ये एक्स्ट्रा खर्च उसी वस्तु में जोड़ा जाएगा जो कि उसकी कीमत है। तो अब हमारे पास सीपी है, हमने रुपीज 325 रुपए का कोई आइटम खरीदा, अब उस पर हमारा ओवरहेड रुपीज 25 खर्च हो गया, तो हमारी न्यू सीपी निकलेगी, तो हम यहां पर तुरंत लिख देंगे न्यू सीपी। तो इस आइटम में हम 25 रुपीज जोड़ दें, तो इस तरह से हमारे 350 रुपए खर्च हो गए। अब क्वेश्चन कहता है कि एसपी जब हमने किया, तो एसपी किया तो हमने 490 रुपीज का किया। अब आप देखो 350 की चीज खरीदी, इसको नहीं देखेंगे, ये आप ध्यान दे रहे, तो अब न्यू सीपी आ गई, आप यहां से चल रहा है, 350 रुपए हमारे खर्च हुए थे और 490 गैस दिया, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी हो गया, एसपी जब बड़ा है सीपी से लीजिए, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लगा दिया हमने फार्मूला एसपी माइनस सीपी
490 माइनस 350 माइनस किया तो 140 आ गया। अब 140 रुपए में फायदा होगा। अब इसकी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, जैसे ये निकाली थी प्रॉफिट परसेंट, इसी तरह से टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय तो टोटल प्रॉफिट हमारी 140, सीपी हमारे पास 350 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब आप काटो 7 2 14 जीरो, 7 5 35, 5 2 10 20 2 40% हमारा निकलकर आ गया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द एसपी ऑफ एन आर्टिकल निकालना है। अब आप देखो कैसे निकालोगे इसको, सेकेंड क्वेश्चन है, सीपी किसी आइटम की 80 रुपए है और हमने प्रॉफिट ले लिया है उस चीज को बेचने में 15% का, तो हमने कितने रुपए का बेचा। तो इसको भाई दो तरीके से किया जा सकता है, पहले हमें एसपी को एक्स लगाना पड़ेगा, फिर 15% 80 रुपए से निकालना होगा, फिर जो कीमत निकलेगी उसमें फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमें कितनी लंबी कवायद करनी है। लेकिन यहां पर एक फार्मूले ने इस कवायद को हमको बचा दिया, तो फार्मूला क्या है याद रखना है, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यह फार्मूला, इस फार्मूले से आपको हर चीज करनी है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 15 अपॉन 100, सीपी कितनी है 80, 115 अपॉन 100 80। अब आप कैलकुलेट करें, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 10 23 2 4 8, तो हमारे पास 23 4 आया, 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, तो 92 रुपीज का हमारा एसपी आ गया। इस फार्मूले से एक्चुअल रेट निकलेगा और उस फार्मूले से पहले आपको 15% एटी का निकालना है, तो हमारा प्रॉफिट देखना है, एक्स से निकलेगा वो भी, फिर उसको प्लस करना है तब ये निकलेगा। अगर आप 50% ऑफ 80 का निकालेंगे तो 12 रुपए आएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही तीसरा फार्मूला है, सीपी ज्ञात करनी है तीसरे क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास मिल गया एसपी रुपीस 2380 और प्रॉफिट है 19%। तो सीपी का फार्मूला लगा देते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, तो 100 119 अपार्गो 11 22, 2 बार कट गया, 20 बार हो गया पूरा, 20 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2000 उसकी कीमत निकलता आ गई। तो ये सवाल आपको करने, कल हम देख लेंगे अगर फार्मूले नहीं लिखे हैं, मुझे याद नहीं रहा, अगर फार्मूले नहीं लिखे तो मैं फार्मूले लिखा दूंगा। अगर आपको जैसे 8H में कोई एक्सरसाइज दिक्कत दे रही है क्वेश्चन, तो वो मैं करा दूंगा। आप इतना
काम करना है, जो मैं करा रहा हूं उसको ध्यान देना है। अगर आप ऑफलाइन में होते तो तुरंत आ जाता समझ में। चलिए छोड़िए, अब आप एक चीज को और सुनिए। आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंची होगी आवश्यक सूचना के नाम से, उसको आपने अपने मम्मी पापा को शायद ना दिखाया हो, या आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख ले और अपने मम्मी पापा को दिखा दे उसमें है क्या। उसमें यह चीज लिखी है कि आपकी जो सत्र चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसमें 4 महीने की फीस माफ कर दी गई है। 4 महीने कौन से हैं ये भी हम आपको बता दें, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। लेकिन 8 महीने की फीस आपसे लगेगी, जो पुरानी फीस थी जो 6th क्लास में थी वो ही फीस ली जाएगी। अब 8 महीने की फीस आप इकट्ठी तो नहीं जमा कर सकते, अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो 2-2 महीने की फीस जरूर जमा करें। अब 2 महीने की फीस कब जमा करनी है तो हम आपसे कह दे रहे 3 दिसंबर तक, उससे पहले आप जमा कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम 12 दिसंबर से हैं, आपकी फीस आएगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे। यदि आप फीस नहीं दे रहे हैं तो आप याद रख लें कि आपका प्रवेश इसमें अब नहीं छोड़ा जाएगा, अब आप उसी 0 पर खड़े रहेंगे, मतलब 7th क्लास में तो 7th क्लास में ही रहेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने फर्स्ट अंदर भी एग्जाम नहीं दिया, सेकंड भी नहीं देंगे तो आप क्या कर रहे हैं, तो केवल क्या ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपकी फीस नहीं आई तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर यहां से हटा देंगे जो आपका चल रहा है, और आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे इसकी। इसलिए 2 महीने की फीस जमा कर दें, एग्जाम आ गया है उसका कोर्स अपना याद करें और एग्जाम भी दें। अगर स्कूल खुल गए तो ऑफलाइन परीक्षा होनी है, क्योंकि गाइडलाइंस 1 तारीख के बाद पता चलेगी। अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो आप ऑनलाइन, जैसे फर्स्ट अनरल हुआ तो वो, अब जो बच्चा फर्स्ट अनरल में नहीं एडमिट हुआ, नहीं आया यहां पर, तो वो सेकेंड टर्मिनल में जरूर आए। अगर नहीं ऐसा करता है तो हम समझेंगे वो बच्चा यहां से एबसेंट रहा, तो उसको 7th क्लास ही मिलेगा, 8th नहीं मिलेगा, या आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा।